घुमंतु जीवन यापन करती रही घुमंतु जातियों को शताब्दियों की करवट का एहसास भले ही नहीं हुआ, लेकिन पिछले दशक में बदलाव की तेजी ने समस्त विश्व में परिवर्तन के नए समीकरण गढ़ दिए हैं। पिछली कई शताब्दियों से समय और दौर चाहे जो भी रहा, घुमक्कड़ जातियों की जीवन शैली अपने चिर परिचित अंदाज में ही जीवंत रही। पहले ऐसे ही डेरे लगे फिर से, आज यहाँ है कल वहाँ है फिर सुबह है न फिरते। इन द नोमैडिक कम्युनिटीज हु आर ट्रैवलिंग वेयर एन आर इन अ डिसएडवांटेज पोजीशन बिकॉज यू डोंट हैव एन एड्रेस, इफ यू डोंट हैव एन परमानेंट एड्रेस देन यू आर नॉट काउंटेड एंड इफ यू आर नॉट काउंटेड एज अ सिटीजन देन यू डोंट एग्जिस्ट एज अ सिटीजन। एक गाँव से वो गाँव घूमते हैं, उनके वोटर्स लिस्ट में उनका नाम नहीं है, रेशन कार्ड नहीं मिलता है, बीपीएल की जो लिस्ट है दारिद्र्य रेशे के नीचे रहने वाले लोगों उनमें उनका नाम नहीं आता है। ये जैसा घुमंतुपन कारण है उससे उनका अज्ञान भी कारण है। उस टाइम तो मैंने पता नहीं था 109 है कि 106 है क्या है, वो किसी का ऐसा है कि भाई किसी रात को किसी को आदमी को पकड़ लेता है तो उसको बंद कर देता, उसको 109 होती है। उस टाइम हमें पता ही नहीं था वो 109 है कि 106 होती है कि 10 होती है। वो फिर वैसे उसमें डोलने फिरने जंगल खाली रहा नहीं, मुलतल मुलतानी के टाइम पीछे औलाद हुई तो उस देख लिया भाई कोई मजाली बात नहीं तो बैठ गया जगह जगह डेरा उठा के ला के हमने ये मौका देख के प्रतिपरा जंगल में हमने डेरा डाल दिया। अपने आप को प्रकृति की संतान समझती आई घुमंतु जातियों ने समाज और प्रशासन से टक्कर ले यह नारा बुलंद करते हुए कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, यह कहकर अरावली की इन तलहटियों में अपनी ढानियां बसाई। कोई पूछेगा तो ये क्या है, पहचान पत्र है। और पहचान पत्र क्यों है, क्योंकि इससे हमारी पहचान है। संवैधानिक अधिकारों के दायरे से बाहर रहे घुमंतों को विगत 15 वर्षों से अरावली की तलहटी में बसाने और पहचान दिलाने की प्रक्रिया ने 50,000 से भी अधिक घुमंतों तक पहुंच बना सफलता के जो मापदंड तय किए उसके पीछे रहा घुमंतों का जीवन ज्ञान से अक्षर ज्ञान तक धीमा सघन और गहरा सफर। विज्ञान की बात का तो पता ही नहीं है ना कि चांद सूर्य सप्ताह है कि ये पृथ्वी घूम रही है, ये समुद्र हमारा चौमेरा है और भी विदेश है, लेकिन ये पता नहीं हमारा तो कितना यही जाना कि बस यही राजस्थान बहुत बड़ा है ऐसा ही है, और दूसरी देशों का तो पता ही नहीं लोगों, बहुत से लोगों को पता नहीं हमारे 99% लोगों। ऐसी जातियां जो जीवन ज्ञान से भरपूर हैं, उसमें अक्षर ज्ञान की जो मुहिम है कितनी जायज है और कितनी सफल है? मुझे लगता है अक्षर ज्ञान होना चाहिए, होना इसलिए चाहिए क्योंकि आपको बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उसका आपको आप एक्सप्लॉइट हो जाते हो। अगर आपको अक्षर ज्ञान नहीं है तो आप बहुत कहीं पहुंच सकते थे जहां आप नहीं पहुंच पाते सिर्फ इसलिए कि आप पढ़ नहीं पाए या आप उसका लिख नहीं पाए ठीक से, तो वो होना कोई बुरा नहीं है। लेकिन फिर उसके जो एक इन्फ्लुएंस आते हैं, जो एजुकेशन से क्या होता है आदमी एक खास तरह से ढलने लग जाता है, उसके जो अपनी जड़ों से जो जुड़ाव होता है वो बदलने लगता है, वो नकल में आ जाता है कि अच्छा हमसे एक स्टेप आगे एक स्टेप आगे। और मतलब मैंने कई गांवों में ये देखा है कि जिन बच्चों ने पढ़ लिया और सातवीं में फेल हो गए,
फिर वो तो ना अपने खेत में जाने लायक रहे और ना वो पढ़ाई के लायक रह गए। तो ये जो एक बीच की स्थिति होती है, ये बहुत ही डेंजरस है और ये बहुत बड़े स्केल पे है हमारे देश में। अब मुश्किल ये हो रही है, बच्चा नौकरी नहीं मिल रही, अब वो बेचारे पढ़ भी गए, वो मांगने के भी नहीं रहे, अब वो मजदूरी भी नहीं करे, वो पढ़ लिए 10-10, 12-12 किताब हो गई, अब वो कैसे पार पड़े। ये है ज़्यादातर हमारी उम्र तो मांग के ही पूरी कर ली हम, सब दिन जाता बेटा 10 सिर पक्का नाच रहा था, बच्चे खाते खूब मौज करते। कहाँ है जवाब, कहाँ है? अगर शिक्षा नहीं होगी तब भी आज के दौर में मुश्किल है, तो जवाब कहाँ है? आपका अनुभव क्या कहता है? वास्तव में समस्या यही है कि लोग इस बात को जानते ही नहीं कि सही मायनों में शिक्षा क्या है। हम शिक्षा का महत्व उसी तरह से आंकते हैं जैसे जमीन की कीमत या शेयर बाजार में शेयर की कीमत। हम केवल वही शिक्षा देना चाहते हैं जो शिक्षा ग्रहण करने वालों को ज्यादा कमाई दे सके। पढ़े लिखे के चारित्रिक विकास पर हमारा ध्यान शायद ही जाता है, क्योंकि लड़कियों को कमाई नहीं करनी, इसलिए उन्हें शिक्षा की क्या जरूरत? जब तक इस तरह के विचार रहेंगे तब तक हम शिक्षा का सही अर्थ जानने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गांधी के ये विचार घुमंतू पाठशालाओं का मूल मंत्र रहे। My suggestion would be to them ke teach them the skills, but teach them the education through the skill. So while they're learning that, you can easily teach them whether it's Hindi or English or how to calculate. And maybe that is more than enough. Why is it necessary that we have a European model or some uniform Indian model which can teach them about the history of this and history of that and geography of that, and we think that they're going to become better citizens? The results that are being shown are that they don't become a better citizen, they become useless. And you know, they get into this feeling that they are superior to their father. In fact, they are ashamed of talking that their father lives in this camp out here. लोग किस तरह से आपको देखते हैं, किस तरह से आपका तमाशा देखा जाता है? हमारा आजकल तमाशा ऐसे देखते हैं भाजी, पहले तो नू थी और बहुत लोग आया करते खेल देखने के लिए, और आजकल ऐसे है कि हम दिन बताते हैं। इसी के चलते घुमंतू पाठशालाओं के घुमंतू छात्रों को पढ़ाने के लिए आमंत्रित शिक्षाविद अब इनके व्यवहारिक ज्ञान को नजरअंदाज नहीं कर रहे थे, अपितु इनके पारंपरिक कौशल को पहचान कर उसे वर्तमान संदर्भ देने के लिए उनकी विधाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ और समझा रहे थे। ये तो कंद है, कंद जमीन, कंद है। अच्छा। इसकी उकाल देनी पड़ती है, सांप खा जाए तो इसे सारा जहर हट जाता है। ये भी काली पहाड़ी, ये एक ही है। अच्छा, ये दोनों काली? हाँ, यही सारी। एक तो हमारी होती है बाहर बीन बजाने वाली, और ये पताल तुमड़ी है, ये पताल तुमड़ी जमीन में पैदा होती है। अच्छा, ये नहीं, जो जो आप बीन बजाते हैं वो भी यही है? हाँ, यही है, वो ही है। इसका तो आकार बहुत छोटा है। हाँ, वो बाहर की है, ये अंदर की है, जमीन के अंदर से। ये पताल तुमड़ी बोलते हैं। अच्छा, लेकिन दोनों का रिश्ता सफेदों से है? हाँ, सफेदों से है। तो अगर मेरे जैसे को बीन सीखनी हो, मुझे कैसे सिखाओगे आपको? ये है, पहले दम तोड़ना सीखना पड़ता है, सांस का। सांस तोड़ोगे, अंगली चला रहे हो, तो किसी गाना सुन लिया आपने भाई, तो ये आंगली से पता पड़ेगा कि ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है। अपने जो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके पीछे जो विज्ञान है, आवाज़ का विज्ञान है, उसको किसी को समझाना पड़ेगा ताकि वो लिख दे कि भाई इसमें इतने तार होते हैं, इसको यहाँ दबाओ तो ये सुर निकलता है, और इसके यहाँ दबाओ तो ये सुर निकलता है, इतनी ज़ोर से ये चलाओ तो ऐसी आवाज़ आती है। जैसे वायलिन का है ना, वायलिन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो कोई बजाता है तो उसको उस्ताद मान लेते हैं, हैं? वैसे ही आपको कितने तार हैं, किससे कौन सी आवाज़ निकलती है, कैसे क्या, वो सारा पहले तो हिसाब किताब आपको कहीं किसी एक ऐसे आदमी को जो संगीत जानता है उसको समझाना पड़ेगा ताकि वो उसको लिख दे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको एक लिपि सीखनी पड़ेगी जिसमें रागों की लिपि जो आती है ना, सब जगह लिखी हुई है कि राग भोपाली में ये सुर लगते हैं, तो मालूम है हमको। नहीं, मगर उसमें ये नहीं मालूम ना आपको कौन सा वर्जित है, कौन सा कोमल है, कौन सा गंधार है,
वो सब तो पता लगाना पड़ेगा ना, भाई कौन सा इसमें थोड़ा सा हल्का सा लगेगा, कौन सा भारी सा लगेगा, वो सब उसमें लिपिबद्ध है सारा। ये मजे की बात क्या है कि किताब मिलती है, किताब को जो आदमी पढ़ना जानता वो तो पढ़ के कर लेता, जो नहीं जानता वो अटक जाता। रावण हत्या के साथ क्या हुआ है कि वो वहीं रुक गया, आगे नहीं पहुंचा। अगर एक बार वहां पहुंच जाए कि भाई सबको समझ में आए कि ये इस तरह से बजता है, इस तरह से होता है, तो ये कल को ये तो सबसे बड़े उस्ताद जी हो जाएंगे। कि पहले तो जो आपको आता है वो लिखा जाए, और फिर जो नई चीज़ आप सीखना चाहते हैं उसका कुछ इंतजाम करें। विराट घुमंतु संस्कृति के पहलू में छिपे पारंपरिक ज्ञान को समेट कर रखने के लिए उसे वर्तमान वैज्ञानिक कसौटी पर कसना बेहद जरूरी भी था। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज ए पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड, नहीं बिकम कमिंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज इफ ही डज इट साइंटिफिकली। ये मैं बता, सूरज जी मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि आप एक तो खाना खिलाते हैं, एक खाना बनाना सिखा दें तो वो खुद बना के खा लेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप खाना बनाना सिखाएं, ना कि खाना खिलाएं, ताकि वो बच्चा इस इतना समर्थ हो जाए कि उसके बाद उसने आप पढ़ा और आपके सामने बजा दिया। वो सीखना तो पड़ेगा। इस उम्र में मैंने कंप्यूटर सीखा है, मेरी उम्र 58 साल की है, 58 साल की उम्र में मैंने अब कंप्यूटर सीखा है। मैं सबको ये कंप्यूटर से चिट्ठियाँ भेजता हूँ, कंप्यूटर से ही सब कुछ करता हूँ, मगर इसी उम्र में सीखा है। और बच्चे हंसते थे, क्या पापा अब आप यही सीख रहे हो, मगर हाँ हंसी भी होती थी, मजाक भी, आपका भी उड़ेगा कि अब जो है सूरज जी देखो अब ये सिली साग इस उम्र में कर रहे हैं, सुर लगा रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर की हंसी होती, एक बार मैं सीख गया तो फिर हंसी गायब हो गई, ये तो हमेशा होता। मैं जब PhD के लिए अभी इस उम्र में लिख रहा था तो बच्चे मुझे क्या करते, अच्छी तरह लिखना कहीं फेल हो जाओ मेरे ही बच्चे मुझे कहते थे उसमें क्या बुरा लगता था, मगर ठीक है अब कुछ अलग कर रहे हैं, उम्र भी ज्यादा है तो ठीक करेंगे। शिक्षाविद और व्यवहारिक ज्ञान बांटने पहुंचे लोग मानो घुमंतु पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में नयापन ले आए। शिक्षा और संस्कृति के आवश्यक समन्वय के लिए घुमंतु पाठशालाओं का माहौल अब परिपक्व हो रहा था। जहां पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में साक्षरता के लिए माहौल तैयार किया जाता था, वहीं अब सांस्कृतिक विरासत को समेट कर सहेज कर रखने की चर्चाएं होने लगी। सांस्कृतिक उत्सव बड़सी पाठशाला का अभिन्न अंग बन गए। इटली में रोमा जिप्सियों के साथ काम कर रहे एंड्रिया कैमरिनी घुमंतु पाठशालाओं के संगीत पाठ्यक्रमों की महत्वपूर्ण कड़ी बन गए। घुमंतुओं के अखड़पन, दबंगता और विराट सांस्कृतिक वैभव से प्रभावित एंड्रिया ने इनकी पाठशालाओं में काफी वक्त बिताया। खामोश पड़े घुमंतुओं के वाद्यों में छुपी लोकगीतों की धुनें सुनने के बाद चिन्ह के सहयोग से ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए गए जिनमें घुमंतुओं के गीतों के भाव इतालवी भाषा में और इतालवी गीतों के भाव घुमंतुओं के शब्दों में ढालकर जुगलबंदी के अनूठे प्रयोग हुए।
think that music is a universal language. Yes, sure. And but it's important to establish some rules between us. And I have to understand his word. That it is really important, and I have to respect his word. आज घुमंतु संगीत पर रिसर्च करने के लिए आने वाले विदेशी मेहमान मामराज की कक्षा में कुछ दिन जरूर बिताते हैं। क्या? गे गे घे गे अड़े हरे हाँ अड़े हरे हरे अड़े नहीं अड़े हरे हाँ चे 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 हाँ चे हाँ छे छे जे 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 एज एज हाँ ते 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 नहीं ते 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 नहीं ते ते हाँ ते te 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 de 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 ni de okay ane hane hane ni ane hane hane ni ane hane ane ane hane ane okay khe aata khe hi tha khe iski piche khe aata hai ye ghe maar diya aapne okay this is Tu zingara, il cielo è, prega ancora il dio delle stelle, in una rosa salata come il mare, le lacrime più amare le ho versate per te, tra i violini di una festa di maggio, tempesta in un abbraccio, l'inferno ti rapì. इस प्रयोग में संवाद की एक नई भाषा विकसित हो रही थी और वह थी संस्कृति की भाषा। एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हुए भी दोनों पक्ष साक्षर हो रहे थे, एक दूसरे की भावनाओं के प्रति, एक दूसरे के सांझे लक्ष्य के प्रति और एक दूसरे के जीवन मूल्यों के प्रति। हाँ, भाषा दो चार अक्षर वैसे सीखा है, वो जैसे कहता था कि नौ नौ में समझने लग गए हम भी समझेंगे ये चीज नहीं करनी है, तो नौ हमने कह दिया कि नौ नहीं करेंगे हम। और उसके कोई चीज की टेंशन होगी तो कहते हैं कि टेंशन है, हम भी कहते हैं कि नो टेंशन, हमारा टेंशन हो रही है, हम बात नहीं करेंगे। जो अखबार वाला जा रहा था, जो मेरे राकेश, वो तीनों खाना खाने को जा रहे थे पहले वाली ट्रेनिंग में, तो वो अखबार वाला कह रहा, अखबार वाले ऐसे कहने लगा। अब ये राकेश ने कही के बोलो, जब यार राकेश पर हाथ धर के इसने कही के बेसी पी अली सली, जैसे वो बोले लगा ना अखबार वाला, जैसे बेसी पी अली सली ऐसे रस्ते रस्ते जा रहे हम, वो कहने लगे। फिर मैंने पूछा, जब बताया कि मच्छी से कहते हैं पीस पीस। इलाहाबाद के संगम तट पे, इलाहाबाद के संगम तट पे जब नहीं रहूं मैं। संगीत में रुचि रखने वाले लोगों के साथ अपने संगीत का स्तर उत्कृष्ट करने और संगीत को ही अपनी जीविका बनाने की बात अब संगीत में घुमंतु जातियों में जोर पकड़ने लगी थी। देखिए, जब शिक्षा और लोक कलाओं का समन्वय होता है तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि एक आदर का भाव, कलाकार के प्रति एक आदर का भाव आता है और जो जात पात के जो भेदभाव होते हैं वो धूमिल पड़ने लगते हैं। जैसे पहले जब वो आते थे तो मुझे बहुत स्मेल आती थी, तो मैं इनसे कहती थी कि देखो मैं पानी भी उन्हें नहीं पिलाऊंगी, वो बहुत गंदे रहते हैं। तो उसके बाद जब वो कैसेट लेके आए तो मैंने उसको सुना, और सुनने के बाद जब वो नेक्स्ट टाइम जब आए और मुझसे मिले तो मैंने उन्हें समझाया और ये कहा कि सूरज जी, आप बहुत सफाई से रहा करें कि आपका समुदाय भी, मतलब आपका जो समाज है वो भी हमारे समुदाय की तरह, मतलब अपने संगीत में नए नए प्रयोगों को जगह देकर घुमंतु अब अपने लिए
नए श्रोतावर्ग ढूंढ रहे थे और शिक्षा के प्रभाव के चलते इस काम में वे खासे सफल भी हो रहे थे। पाठशालाओं की चर्चाएं और शिक्षा के बहुआयामी नतीजों को देखने और नव साक्षर घुमंतों के अनुभव से सीखने विभिन्न कॉलेजों के छात्र घुमंतु पाठशालाओं के अनौपचारिक पाठ्यक्रम में दिलचस्पी ले रहे हैं। ना कोई सौदा सूत मलेला नहीं रे माजनरी हाटी रे अरे हे हे अरे हाँ सगु नहीं से सारे जगत में एक लो आजो जीवे एक जासी अरे हे हे अरे हाँ हाँ लक्ष्मा ऊंची तो छड़े छड़े झाके रे भीरो साई आवे कोई माके रे लक्ष्मा ऊंची तो छड़े छड़े झाके रे भीरो साई आवे कोई माके रे छोटा मोटा कुछ ऐसे बिना मात्रा का जो हिंदी हिंदी है जिसमें मैं 10-5 का नाम भी बांध सकती हूँ, खुद का दस्तखत कर सकती हूँ, मेरा आदमी का नाम का भी दस्तखत कर सकती हूँ, तो ये कैसे मजाक करती है। और भाई ये तो पढ़ लिख के हेडमास्टर बन रही है और उल्टी मेरे को दबाती है। ये बहनों को मैं भी कहती हूँ ज़्यादा नहीं तो दस्तखत तो आपका सीखना चाहिए, इतना तो आप कर सकती हो ना, तो और मेरी मजाक कर लेती है सब। यही नहीं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े शोधकर्ताओं के लिए आज मामराज जैसे घुमंतों की जीवन यात्रा में घुमंतु पाठशालाओं का प्रभाव शोध का विषय बन गए हैं। कागले होते हैं ना वो, तो इसको देखो डर जाता है को मरे हुए लटक रहे आए हैं, वो आते नहीं है नुकसान करने के लिए। कोई भी बर्तन में घड़ा में मुंड मुंह लगा दे तो वो आते नहीं जल्दी से, वो समझेगा कि वो काग लटक रहा है तो इस मारे नहीं आओगा वो। पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं हटे, फिर मरना टांग लेंगे तो फिर मारेंगे इनके, मरेंगे इनके, मारेंगे इनके, मारेंगे। घुमंतु पाठशालाओं ने घुमंतु जातियों की हिंसक प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाने का बेजोड़ काम किया है। 20 आदमी 50 है। ए अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, रे ऋषि। घुमंतु पाठशालाओं से फैले ज्ञान के प्रकाश में जहां घुमंतुओं के बरसों पुराने पूर्वाग्रह धुंधला रहे हैं, वहीं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में घुमंतुओं की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। जो साक्षरता के इस साधारण से आंदोलन की असाधारण उपलब्धि है।
बन जा रहा सुन ले मन 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 बन जा रहा सुन ले बन जा रहा सुन ले मन 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 बन जा रहा सुन ले बन बन जा रहा 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 मन बन जा रहा सुन ले मन बन जा रहा सुन ले।